So last time we discussed the third canonical form, that is the Jordan's canonical form. Yes, sir. Okay, the case that we had taken, there was the posa reale distinct. Yes, sir. Okay, so we had taken the case, so I'll continue with that Jordan's canonical form. तो इसने अपने केस पर पहला वाला केस जो लिया था, दैट इज पोज़ द रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। यस सर। और उसमें जो हमारा बना था स्टेट डायग्राम, दैट वाज समथिंग लाइक दिस। दिस वाज यू, ओके, देन दिस वाज बीटा नॉट, और यहाँ पे एक समिंग ब्लॉक था। So yeah, यस सर। then we have something like this plus, यहाँ पे प्लस था, जी सर। हाँ, then ये है इंटीग्रेटर, है ना, यस सर। और यहाँ पे था लैम्डा वन। और यहाँ पे था आर, दिस वाज प्लस एंड दिस वाज प्लस। सही है। यस सर। फिर हमने एक और बनाया था यहाँ पे, दिस समथिंग लाइक दिस, आर टू, यहाँ पे एक और समिंग ब्लॉक था, प्लस प्लस, दिस इज एक्चुअली वाई, है ना, यस सर। एंड दिस वाज लैम्डा टू, एंड देयर वाज अ चेन लाइक दिस, है ना। यहाँ पे हमने नीचे की साइड से और भी बनाए थे ऐसे ही पैरेलल ब्लॉक्स, है यस सर। ना। नाउ दिस वाज द केस व्हेन द पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम दैट दिस लैम्डा वन लैम्डा टू आर एक्चुअली द पोल्स एंड दीज आर द रेजिड्यूज एट द पोल। जी सर। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की अगर आप थ्योरी थोड़ी सी रिकॉल करो, इफ यू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। पोल्स, रियल पोल्स, तो उस केस में रेजिड्यू भी रियल ही आता है। जी सर। ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट दिस टाइप ऑफ, दिस इज एक्चुअली नोन एज द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। रियलाइजेशन मीन्स दैट यू शुड बी एबल टू यूज द ऑप एम्प सर्किट एंड एक्चुअली हैव दिस मॉडल इन द लैब। ओके, अच्छा। दिस इज द गेन ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो द गेन ब्लॉक, दिस इज ऑल्सो द गेन ब्लॉक, दिस इज द गेन ब्लॉक, दिस इज द गेन ब्लॉक, दिस इज द इंटेग्रल ब्लॉक, इंटेग्रेशन ब्लॉक, एंड दीज आर द समिंग ब्लॉक्स, दिस इज ऑल्सो द समिंग ब्लॉक, इजंट इट। नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आपने स्टडी किए हैं, रियल गेन को आप बना सकते हो यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जी सर। बट इफ द गेन इज इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स पोल, पोल ऑफ दिस फॉर्म सिग्मा प्लस जे ओमेगा, अगर इस टाइप का पोल है, तो लैम्डा वन विल बी इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यस सर। सिग्मा प्लस जे ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट हैज अ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। यस सर। यू कैन नॉट हैव एन ऑपरेशन एम्पलीफायर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द गेन विल बी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ मैथमेटिकल एंटिटी। यस सर। जे का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, ये तो मैथमेटिकल कन्वीनियंस है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की। यस सर। तो ऐसा कोई एक ब्लॉक बना ही नहीं सकते जिसका कि गेन कॉम्प्लेक्स हो। सिमिलरली इफ द पोल इज कॉम्प्लेक्स, इट्स रेजिड्यू विल आल्सो बी कॉम्प्लेक्स। सो ये दूसरा गेन ब्लॉक भी जो रेजिड्यू ब्लॉक होगा उसका गेन भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो ऐसे ब्लॉक को भी आप लैब में जाके नहीं बना सकते यूजिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। सो ऑल्दो मैथमेटिकली दिस मॉडल इज वैलिड फॉर द केस वेयर इन द पोल्स आर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, बट इट कैन नॉट बी रियलाइज इन द लैब। आर यू गेटिंग मी? तो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ट्रांसफर फंक्शन है, एंड यू नो दैट कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा इज वन पोल, यस सर। देन देयर मस्ट नेसेसरली बी अनदर पोल सिग्मा माइनस जे ओमेगा, यस सर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट्स। जी सर। दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस पोल। आर यू गेटिंग मी? यस सर। So, since complex poles exist in conjugates, so that means
if there will be at least two, if the system has complex poles, there will be at least two complex poles. Complex poles cannot exist in isolation. Are you getting me? Yes, sir. Means अगर एक पोल सिग्मा प्लस जे ओमेगा है तो दूसरा सिग्मा माइनस जे ओमेगा होगा और उनके दो रेजिड्यूज भी कॉम्प्लेक्स होंगे. तो ऐसे केस में अगर आपको रियलाइजेशन चाहिए ट्रांसफर फंक्शन की तो आप क्या करोगे? हाउ डू डू दैट? यू वांट द गेन्स टू बी रियल, यू डोंट वांट द गेन्स टू बी इमेजिनरी और गेन्स टू बी कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट डू यू डू इन दैट केस? मीन्स इफ यू हैव अ सिस्टम फॉर विच So we will consider a system having two complex poles. Sigma plus j omega and sigma minus j omega and a real pole lemma. Okay. जी सर. हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसमें दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा एंड सिग्मा माइनस जे ओमेगा एंड ए रियल पोल लैम्डा एंड लेट द रेजिड्यूज ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएटेड And these poles be P plus JQ, P minus JQ and R. The residues of a function Evaluated at a complex conjugate pole pair are complex conjugates of each other. अगर एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें कि एक पेयर ऑफ पोल्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, पेयर ही होना है जरूरी क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑलवेज कंजुगेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, और हमने माना, हमने एज्यूम किया कि एक पोल रियल है लैम्डा. तो जब हम इस फंक्शन, जैसे हमने लास्ट टाइम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन किया था, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जब करेंगे गिवन फंक्शन का एट अ पेयर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स, यू विल फाइंड दैट The residues will also be complex conjugates of each other. Yes. That means, अगर sigma plus j omega पर residue आया p plus jq, तो sigma minus j omega पर residue आएगा p minus jq. Yes. और real pole पे हमने माना residue है r. Okay? Then we will have so the Jordan's canonical form representation for the given system will be kya hoga? You'll have x1 dot x2 dot x3 dot is equal to agar aap last wala lecture refer karo यहाँ पे होता है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा. इसमें लैम्डा वन हमने माना सिग्मा प्लस जे ओमेगा, देन जीरो जीरो, देन जीरो सिग्मा माइनस जे ओमेगा, देन जीरो, देन जीरो जीरो एंड लैम्डा. सही है जी सर. एक्स वन
प्लस बी वाला वेक्टर जो होता है उसमें ऑल वंस होते हैं, इफ यू रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर, होता ना ऐसे जी सर। और सी में क्या होता है, सी में होता है रेसिड्यूस, दैट्स पी प्लस जे क्यू, पी माइनस जे क्यू एंड आर, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री। सही है जी सर। अब इसमें इश्यू ये आया कि जब हम इसका स्ट्रेट रियलाइजेशन करेंगे यूजिंग एन एनालॉग कंप्यूटर सिमुलेशन डायग्राम, यू विल हैव द गेन ब्लॉक्स हैविंग द गेन्स कॉम्प्लेक्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। सो वी वांट एन ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन वेयर इन द गेन ब्लॉक्स विल नॉट हैव कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। जी सर। आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट डू वी डू फॉर दैट? सो वी हैव अ गिवन सिस्टम लाइक दिस, we want an alternative representation for the system wherein we will do away with the complex numbers, we don't have complex numbers, so that we can realize it in the lab. Are you getting me? Yes, sir. So for doing that, what do we do? We define a similarity transformation x is equal to pz. Okay? Yes, sir. Where p is defined as, p ko kaise define kar rahe hain? We define it like this: 1 by 2 minus j by 2 0, 1 by 2 j by 2 and 0, and 0, 0, and 1. Similarity transformation वाले matrix का खाली एक condition है कि matrix जो है वो non-singular होना चाहिए, invertible होना चाहिए. Any matrix P which is non-invertible can be taken as a singularity transformation matrix. लेकिन इस case में we have to take this because what we want actually is we want an alternative representation for the system wherein we don't have these complex numbers in the realization. Yes. So what do we do for that? We define a similarity transformation like this. X is equal to PZ. Mind it, the similarity transformation matrix that we had defined last time was of this form. Z is equal to PX. Jesus. This is another alternative way of writing the same thing. Because most of the books write it like this, so we should follow the same convention. Usme khali farak ye aayega, jab hum Z is equal to PX lete the, तो हमारा जो ए डैश आता था दैट यूज टू बी पी ए पी इनवर्स, बी डैश आता था पी बी पी बी और सी डैश आता था सी पी इनवर्स। जी सर। जब हम एक्स इज इक्वल टू पी जेड लेंगे तो उस केस में आपका ए डैश जो है दैट विल बी पी इनवर्स ऑफ ए पी, आपका जो बी डैश है दैट विल बी पी इनवर्स ऑफ बी एंड सी डैश विल बी सी पी, दैट्स ओनली डिफरेंस। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सो वी डिफाइन अ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इज इक्वल टू PZ where P is this. So once we define the similarity transformation for obtaining the new state space model, we will have to evaluate these matrices. Jeez. So what is A dash P inverse of AP? पहले इस P का P inverse obtain करेंगे. जरा देखो देखो P inverse क्या होगा इसका. सर इसका आएगा one one by two, one by two और zero. देखो ना इनवर्स क्या आएगा इसका, इनवर्स ऑप्टेन करो ना इसका, ये बच्चे मैट्रिक्स है ना। जी सर। ऑप्टेन इट्स ना can evaluate it, inverse it comes out to be 1, 1, 0, yes. J minus J 0 and 0, 0 and 1. You can evaluate it, it's not difficult to evaluate it. Yes. Okay, yes, so once you evaluate it, then you obtain A dash. What is A dash?
inverse of AP. Right? Yes, sir. What is P inverse? P inverse is this. 1, 1, 0, J minus J 0, 0, 0 and 1. Right? A kya hai? Kya tha A? Sir, A sigma plus J omega. 0, 0. 0, 0. 0, 0 sigma, sigma minus J omega. Omega and 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and lambda. Lambda. और आपका P ये है, P क्या है ये, 1 upon 2 minus J upon 2, 0, 1 upon 2, J upon 2 and 0, and 0, 0 and 1. ये हम A' obtain करेंगे ना? जी सर. तो देखो A' कितना आएगा? A' will come out to be, so you multiply this, what will you get? Sigma plus J omega. Then, yes, sir. Then here it will be sigma minus J omega. Or here 0. So yeah. Yes, sir. Here it will be J into sigma plus J omega. Then minus J into sigma minus J omega. And 0. Then here will be 0, here it will be 0, and here it will be lambda. Then there's another matrix, 1 upon 2 minus J upon 2 and 0, 1 upon 2, J upon 2 and 0, and 0 will be lambda. See ya? Yes, sir. Now what will this be equal to? This will be equal to, this is 1 upon 2 sigma plus 1 upon 2 j omega plus 1 upon 2 sigma minus 1 upon 2 j omega. Hai na? Achha. Plus 0. Isko multiply karna hai na? Ji sir. Sigma. So it will be 1 upon 2 sigma plus 1 upon 2 sigma, that is sigma. Ji sir. Then you multiply this by this. Hai na? Ji sir. So wahan pe kya aega? Minus j upon 2 sigma plus j omega. Hai na? Plus J upon 2 sigma minus J omega. So yeah? Yes, sir. So that would be minus J upon 2 sigma, J minus, 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 plus omega upon 2. So yeah? Yes, sir. Then plus J upon 2 sigma plus minus, minus, JJ plus, JJ minus, 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 plus, and omega upon 2. This and this goes, so this will be omega. Yes, sir. And yes, sir. And this will be 0. So yeah? Yes, sir. Now you multiply this by this, what do you get here? So you get J upon 2 into sigma plus J omega. J upon 2 into sigma plus J omega. Get it? Yes, sir. Minus J upon 2 into sigma minus J omega. What's that? If it's upper gear, so this is J upon 2 sigma. J upon 2 sigma. JJ minus. And plus omega upon 2, then minus J upon 2 sigma, JJ minus, 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 plus, minus, I agree, yes. Omega upon 2. Minus omega. So that's minus omega. So yeah. Yes, sir. Now this and this. Karo evaluate kitna aayega? 1 sir. JJ is minus, 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 is plus. So this will be sigma plus J omega upon 2, JJ is minus, 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 is plus. So it will be sigma? Minus sigma होता है. नहीं sigma है. आप देखो. ठीक है ना ऐसे. हो गया ना J J minus हो गया minus minus plus हो गया. So ये sigma plus जो omega by 2. J J minus हो गया minus minus plus हो गया. So sigma plus ही आ रहा है ना. और वो तो cancel हो जाएंगे. Plus. Okay. Yes sir. And then this will be. Sigma. हाँ this will be zero है ना. Yes sir. और जाएगा 0 0 है. ये आ गया आपका A' सही है जी सर सी देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस A यस सर व्हाट इज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जी सर देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस A एंड व्हाट इज B' इक्वल टू B' इज इक्वल टू P इनवर्स ऑफ B है ना यस सर P इनवर्स क्या था 1 1 0 1, 1, 0, J, J minus J, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 1, है ना, B क्या है,
डी है वन वन और वन, ये किसके बराबर आएगा फिर? पहले तो वन वन ये टू आएगा यहाँ पे, है ना? यस सर, वन प्लस वन टू, जे माइनस जे ये जीरो आएगा, सही है ना? जी सर। और ये वन है, दिस इज बी डैश। ओके, व्हाट इज सी डैश? सी डैश इज सी पी। ओरिजिनल सी क्या था? ओरिजिनल सी था पी प्लस जे क्यू, जे क्यू पी माइनस जे क्यू एंड आर मल्टीप्लाइड बाय पी। पी इज दिस, नहीं पी इज हाई वाला, वन अपॉन टू माइनस जे अपॉन टू जीरो, वन अपॉन टू जे अपॉन टू जीरो, और जीरो जीरो और वन, सही है ना? जी सर। सो व्हाट वी गेट हियर, यू गेट पी अपॉन टू प्लस पी अपॉन टू, सो इट विल बी पी। पहली वाली टर्म पी आएगी, सेकेंड वाली टर्म क्या आएगी? सेकेंड वाली टर्म विल बी माइनस जे पी अपॉन टू, जे जे माइनस 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 प्लस, प्लस क्यू अपॉन टू, देन प्लस डी जे अपॉन टू, जे जे माइनस, सो यहां पे क्यू आएगा। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना? यस सर। पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, जी सर, और तीसरी वाली टर्म आ रही है, ये है आपका सी डैश। जी सर। तो आप देखो ए डैश ओरिजिनल केस में, एक तो ए वाले मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, और सी नहीं, बी में तो नहीं था, बी में तो मान मान सी सी में, सी वाले मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, जिसमें रेसिड्यूज होते हैं ना, जी सर। तो इस सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से आपने वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, आपके सारे नंबर सब रियल आए, जी सर। लेकिन एक चीज हो गया इसमें, एक इशू हो गया कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था वो प्योर डायगोनल था, अब ये प्योर डायगोनल नहीं रहा। देखो इसमें वन नहीं, वन नहीं, इधर ए डैश में, सर ए डैश में आया ना यहाँ पे, ये प्योर प्योर डायगोनल नहीं ना रहा, नो सर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स यू गेट अ स्ट्रक्चर इन ए डैश लाइक दिस। Yes, sir. Are you getting me? But alternately, you have actually, what you have achieved is that you have done away with the complex numbers. Now you can have a realization for this, analog computer simulation for this. Yes, sir. Are you getting me? Yes, sir. तो ये complex poles में आपको ऐसे, अगर आपको realization करनी है तो आपको ये similarity transformation define करना पड़ेगा. Yes, sir. Are you getting me? Yes, sir. So this is the case two when the poles are complex. Yes, sir. Now case three when the poles are not distinct, when some poles are repeated. Yes, sir. That you take as an assignment. Okay? Yes, sir. So Jordan's canonical form, Jordan's canonical form for GS, for the case when GS has repeated poles. Okay, repeated poles, this will be the same. Okay. Yes, sir. The mode of submission of this assignment will be communicated to you. Yes, sir. कैसे करना है submit, mode and date आपको communicate किया जाएगा. इसमें Google Classroom में हम इसका बनाएंगे option submission का. तो उसमें आप इसको submit करोगे. Date आज की date है? Sir, आज 11 है. 11. नहीं, आज 10th है. Today's 10th. Yes, sir. आज 10 है. So date of submission will be. That means next Friday, next Saturday. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are the canonical. ये आप assignment submit करोगे. So this finishes the topic. Canonical state space realizations of transfer functions.
Yes. Before we proceed, let's take an example, an imaginary. Okay? Yes, sir. तो थोड़ा सा आपको आइडिया सा मिलेगा. So if you have construct, you can write down construct construct state models for the following differential equation. Construct state models for the following differential equations. First is y triple dot plus 3y double dot plus 2y dot is equal to u dot plus u. ठीक है, सही है? Yes sir. ये वाली ट्रांसफर फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्टेट मॉडल्स बनाने हैं. स्टेट मॉडल्स अब हमने देखा तीन कैनोनिकल स्टेट मॉडल्स, फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म, सेकंड कंपेनियन फॉर्म एंड जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म. लेट अस हैव ऑल द थ्री कैनोनिकल रियलाइजेशंस फॉर दिस मॉडल. ओके, पहले हम इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. जी सर. इसको ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म अज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन. ओके, अज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन वी विल अप्लाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म. So Laplace transform, एक enclosed rod, it will be s cube y of s plus 3 s square y of s plus 2 s y of s. Okay? Yes sir. That will be equal to s u of s plus u s. ठीक है ना? So it will be s cube plus 3s square plus 2s into ys is equal to s plus 1 into us. ठीक है भाई? Yes sir. Or we can write ys upon us, which is actually gs. है ना? Yes sir. That will be equal to s plus 1 upon s cube plus 3s square plus 2s. ठीक है ना? अच्छा, बन गया ना ये ट्रांसफर फंक्शन इसका. जी सर. मैंने जनरल ट्रांसफर फंक्शन के लिए आपको दिखाया है कि अगर आपको फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने डिटेल में स्टेप्स देखे हैं, है ना? अच्छा, तो वो अगर आप प्रॉपरली वो सारे स्टेप्स फॉलो करो, जब आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्टेट मॉडल फॉर द सिस्टम, सो कंस्ट्रक्शन मींस यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स. यस सर. आर यू गेटिंग मी? यस सर. तो वो सारे स्टेप्स आपको दिखाने हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे. यस सर. लेकिन जिस केस में अगर लिखा होगा कि राइट डाउन द स्टेट स्पेस मॉडल फॉर दिस इन फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म, सो जस्ट बाय लुकिंग एट द ट्रांसफर फंक्शन यू शुड बी एबल टू राइट. यस सर. आर यू गेटिंग मी? यस सर. तो वो स्टेप्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको एग्जाम में या किसी जगह पूछा जाए कंस्ट्रक्ट करना है स्टेट स्पेस मॉडल, तो आपको सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन. हियर आई विल राइट ओनली इफ यू हैव टू राइट डाउन द स्टेट मॉडल फॉर दिस इन फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म. व्हाट विल बी द स्टेट मॉडल? लेट्स राइट डाउन. इट्स अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम ना? यस सर. थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ये. सर, इसमें आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय s into s plus 2. Y by s by gs, what is that? 1 divided by s into s.
s into s square plus 3s plus 2, yes, sir. Which is actually s plus 2 into s plus 1, yes, and which is actually 1 upon 1 divided by s into s plus 2. S plus 2, which is actually 1 upon s square plus 2s. 2s, yes, sir. है ना? Yes, sir. सही है? जी सर. तो अगर मैं इसका स्टेट मॉडल बनाऊं इन फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म, तो फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में इसका स्टेट मॉडल क्या होगा? तो ये आपका जीएस आया है ना? जी सर. फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बन गया है ना? Yes. So you have two state variables. So you have x1 dot here and x2 dot here. है ना? फिर इसमें क्या आता है? 0 और 1. First component form में क्या होता है? 0 और 1. 0, 0, 1, 0, 1. फिर 0, 0. और फिर, क्योंकि second order system ही है, तो इसके last row में क्या होगा? जो given transfer function का denominator polynomial है, उसके जो coefficients हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में लिखने होंगे. जी सर. है ना? यस सर. तो रिवर्स ऑर्डर में इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? विद द की टू साइन माइनस टू माइनस वन माइनस टू एंड माइनस. यस. है ना? यस सर. एंड एक्स वन एंड एक्स टू नहीं, माइनस टू एंड माइनस वन नहीं. ये बेसिकली आपका जो एस स्क्वायर प्लस टू एस है, इसमें जो ये वाला कोफिशिएंट है, तीसरा वाला कोफिशिएंट, कांस्टेंट वाला, वो जीरो है. जीरो है ना? जी सर. तो इट इज एक्चुअली जीरो एंड माइनस टू. हां सर. एस स्क्वायर का लिखते नहीं है, एस स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, बाय टर्म का नहीं लिखते है ना? प्लस और बी वाला, बी वाला मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑल जीरोस एंड लास्ट वन वन. आप देखो फर्स्ट कंपोनेंट फॉर्म वैसा. सही है? जी सर. और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ये आउटपुट इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू, इट्स लाइक दिस, x1 एंड x2. उसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं रिवर्स ऑर्डर में. जी सर. तो इट विल बी, नहीं, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल तो इसमें खाली 1 है. जी सर. को कांस्टेंट वाली टर्म में. यस सर. कांस्टेंट वाली टर्म यहां पे 1 आएगी, और वाली टर्म तो है नहीं, वो जीरो है. जीरो, यस सर. सही है ना? यस सर. और डी वाला टर्म इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है. कम है, यस सर. डी वाली टर्म तभी आती है जब न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल टू हो टू द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. यस सर. इजंट इट? उस केस में आपका ये आता है. डू यू गेट मी? यस सर. So this is the state space representation in first companion. First companion form. Second companion form में क्या होगा? Second companion form में आपको पता है, वो आप first companion form से भी लिख सकते हो. जी सर. जीरो माइनस. It will be x1 dot x2 dot equal to 0, 1, 0 and minus 2. है ना? इसमें ये ट्रांसपोज आता है ना इसका? Yes, sir. x1, x2 plus ये चीज यहाँ आती है 1, 0 and u. And y is, y, c वाला जो मैट्रिक्स है या वेक्टर है, वो इसका ट्रांसपोज होता है. Yes, sir. That is 0, 1. X1 and X. सही है? Yes, sir. Got it? Yes, sir. This is the realization, this is the representation in second companion form. Got it? Yes, sir. अब अगर आपको Jordan's canonical form में लिखना है, Jordan's canonical form. क्या आपकी ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू क्या था? एस प्लस टू. एस प्लस टू, एस स्क्वायर प्लस टू, एस इंटू एस प्लस टू है ना? इसका अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे कैसे लिखेंगे इसको?
ए डिवाइड बाय एस प्लस बी डिवाइड बाय एस इसको, प्लस ये टू तो सिंपल वाला है ना, जी इसको जरा देखो सिंपली कैसे आएगा, वन अपॉन एस। प्लस इफ आई राइट डाउन प्लस वन अपॉन एस प्लस एस प्लस टू, टू है ना, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी वन अपॉन, सो इट शुड बी, तो सर मैं इसकी वैसे कह रहा था सर सॉल्व करने में ए डिवाइड बाय एस वो तो प्लस प्रॉपर प्रोसीजर है ना। जी We'll write down 1 upon s into s plus 3, 2 is equal to a upon s plus b upon s plus 2, है ना? जी That'll be 1 is equal to a into s plus 2 plus b into s, है ना? यस सर So, comparing the coefficients of s on both sides, so what we'll have 0 is equal to a plus b, यस सर है ना? And comparing the coefficients on both sides, sorry, constants on both sides, you have 2a is equal to 1, which makes a equal to 1 upon 2. यस सर So b becomes equal to minus 1 upon 2, because a plus b is 0 ना, यस सर b is minus 1 upon 2. सही है? यस सर So that means gs is equal to 1 upon 2 upon s, है ना? सही है? यस सर प्लस कैंसिल माइनस वन अपॉन टू अपॉन एस प्लस, जी सर ठीक है ना? यस सर तो ये बन गया जी एस। नाउ आई हैव टू राइट इट डाउन इन व्हाट, जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म। जी सर तो जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म में क्या आएगा इसका, देखो सो यू विल हैव एक्स वन डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू क्या होता है उसमें, उसमें ये जो इसके पोल्स होते हैं दे आर अलोंग द डायगोनल, यस सर सो देयर इज अ पोल एट 0 एंड अ पोल एट -2, द 0 एंड -2, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर 0, है ना? देन यू हैव x1 एंड x2, और b वाले में क्या होता है 1 और 1 इनटू u, यस सर एंड देन y इज इक्वल टू y में रेजिड्यूज होते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स 1 एंड एक्स 2 व्हाट इट, यस सर सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म, ओके यस सर बट माइंड इट आई रिपीट वंस अगेन दैट इफ यू हैव इफ यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द स्टेट स्पेस मॉडल कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन ट्रांसफर फंक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यू शुड नॉट राइट डायरेक्टली लाइक दिस You'll have to show all the steps, yes, sir. How we actually get the realization in different canonical forms. Do you get me? Yes, sir. So given any transfer function, by inspection only, you should be able to write down the canonical state model representation. Yes, sir. So ये book में कुछ unsolved numericals हैं, ये हम आपको tutorial में दे देंगे। मैंने कल ही ग्रुप पे इन्फॉर्म किया था कि मंडे से हम ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, सो ऑल ऑफ यू हैव टू गिव द लेक्चर्स रेगुलरली, वी आर एक्चुअली मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ व्यूज वी गेट ऑन लेक्चर्स एंड द व्यूइंग टाइम ऑल्सो, सो लेट मी टेक वन मोर न्यूमेरिकल। Figure shows the block diagram of a control system. Figure shows the block diagram of a control system with state variable feedback. With state variable feedback and feed forward control. And feed forward control. Full stop. The plant model is I'll write that. Just wait.
plant unit. The plant model is x dot equal to minus 3, 2, 4 and minus 5 into x plus 1, 0, u and y is equal to 0, 1 and x. Write it down first. You have to derive a state model for the system. Derive a state model for the system. Okay. ये जो equations दी हैं यहाँ पे, ये plant की equation है, मतलब ये. जी सर. और इसमें फिर controller लगा हुआ है. अभी हमने study नहीं किया. ये physical plant है, जिसका कि model ये है. प्लांट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसका मॉडल है. जी सर. इसमें से दो स्टेट वेरिएबल्स निकलते हैं, x1 और x2. x2 वो x1 एंड x2 थ्रू सम गेन्स फीडबैक दिया जाता है सिस्टम को, उससे u वाली सिग्नल जनरेट होती है. जी सर. ये रेफरेंस इनपुट है. ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद फीडबैक कंट्रोल एंड फीड विद फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ये जो आर के साथ ये वाला इनपुट जाता, ये वाला ब्लॉक जाता है, इसको फीड फॉरवर्ड एलिमेंट कहते हैं. जी सर. और ये जो यहाँ से वापस आता है इसको फीडबैक कहते हैं. जी. क्या कहते हैं? फीडबैक. फीडबैक. तो ये हमारा प्लांट है पहले, और ये इस प्लांट में, प्लांट ये है, ये वाला, दिस इज द प्लांट. जो यहाँ प्लांट लिखा हुआ है ना वो ये है. डू यू गेट मी? यस सर. दिस इज द प्लांट. एंड इसमें जो यू है, that's the control signal. Yes, sir. Which is actually coming from the state feedback and from this feed forward control. Agar aap isme dekho, what is u equal to? U is equal to R, 3x1. Yes, sir. Ek to ye 7R hai na? Ji sir, 7. Aur kya hai? Yahan wali signal, ek to 7R mein se ye minus karna hai na? Ji sir. Aur ye wali signal kya hai? It is 3 into x1 plus 1 upon 5 into x2. X2. यह सवाल जो x2 आ रहा है, यहाँ से दिस इस 3x1 प्लस 1.5x2 है ना? यस सर. तो u क्या है फिर? u इज इक्वल टू 7r, सही है? यस सर. और माइनस ये माइनस 3x1 माइनस 1.5x2, सही है? यस सर. तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका हमें कंप्लीट मॉडल बनाना है. इसमें हमें स्टेट मॉडल डिराइव करना है. हमें तो स्टेट मॉडल खाली प्लांट का दिया हुआ है, मतलब इस वाले पोर्शन का. यस सर. हमें स्टेट मॉडल इस सारे सिस्टम के लिए बनाना है, अलोंग विद दिस, ये जो कंट्रोलर लगा के कितने क्या इसका स्टेट मॉडल बनता है. yes, वो हमें बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यू जस्ट सी, हम पहले इसकी इक्वेशंस लिखेंगे. ये x डॉट है ना, इसमें दो स्टेट वेरिएबल्स हैं एक्चुअली. Yes, sir. So it's actually x1 dot x2 dot is equal to minus 3, 2, 4, minus 5, x1 and x2, है ना? Plus 1, 0, u, सही है? Yes, sir. और y क्या है? Y is 0, 1, x1 and x2. सही है? जी सर. अब यहाँ पे u का जो ये equations आई हमारी, हमारी पहली equation क्या है? x1 dot equal to minus 3x1 plus 2x2 plus u. Yes, sir. और दूसरी equation क्या है? x2 dot equal to 4x1 minus 5x2. इसमें u नहीं है. जी सर. है ना? Yes, sir. तो अगर मैं equation form में लिखूँ इसको, what will I get? I'll get x1 dot is equal to minus 3x1
प्लस टू एक्स टू प्लस यू, सही है? Yes, sir. और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू फोर एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू. एक्स टू डॉट इज इक्वल टू फोर एक्स वन माइनस फाइव माइनस फाइव एक्स टू. उसमें यू वाली टर्म नहीं है. Yes, now we already have written what's u equal to. अभी हमने लिखा ना u is equal to 7r minus 3x1 ऐसे लिखेंगे minus 1 minus 3x1 minus 1.5x2 plus 7r. वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे u की जगह. ऊपर वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे for u. Yes, sir. Do you get me? Yes, sir. Like it? I'll get x1 dot is equal to minus 3x1 plus 2x2 है ना? Yes, sir. Plus फिर u की जगह ही है ना? Yes, sir. Minus 3x1 minus 1.5x2 plus 7r. Yes, sir. सही है? Yes, sir. So x1 dot will be equal to minus 6x1 ठीक है ना? Yes, sir. Plus 0.5x2 plus 7r. और x2 डॉट मैं तो u है नहीं 0.5x2 x2 डॉट वही रहेगा है ना. Yes, sir. 4x1 minus 5x2 है ना जी सर. और y वाली इक्वेशन जो है y सिंपली x2 इसमें भी u नहीं है. x1 minus 5x2 ठीक है ना. Yes, sir. y वाली y is equal to x2 इस वाली इक्वेशन में भी u नहीं है तो ये भी अनऑल्टर्ड रहेगी. Yes, sir. So what will be my state model for the system? The state model for the controlled system is मतलब ये पूरा system जिसमें controller लगा हुआ है उसका state model क्या होगा? X1 dot X2 dot is equal to minus 6, 0.5, 4, and minus 5, x1 and x2 plus 7, 0, r, है ना? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. और y सेम रहेगा. Y will be 0, 1, x1 and x2. सही है? Yes, sir. तो ये बन गया इसका स्टेटमेंट. कंट्रोलर लगा के इस सिस्टम में ये जो पूरा सिस्टम है ना जी सर इसमें इनपुट आर है. देखो आप ऐसा आर आर है तभी इसमें आर आया. यू तो एब्जॉर्ब हो गया आर में तभी इसके मॉडल में आर आया यहाँ पे. और वाई तो वही रहा वाई में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वाई की टर्म में यू है ही नहीं. यस सर. एक्स की टर्म में क्योंकि यू था तभी वो चेंज हुआ. आर गेट मी? यस सर. सो दिस विल बी द कंप्लीट स्ट्रेट मॉडल. यू गेट मी? यस सर. So write down another numerical. Construct state model for a system whose block diagram is shown. Construct state model for a system whose block diagram is shown. देखो block diagram क्या है. This is plus and this is minus. This is 1 upon s plus 1. This is like this. इसमें मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि अगर ब्लॉक डायग्राम दी हो तो उससे स्टेट मॉडल कैसे बनाते हैं. सो दिस इज 1 अपॉन s प्लस 2 लाइक दिस. This is u and this is y. Got it? Yes, sir. हमें इस सिस्टम का स्टेट मॉडल बनाना है. तो रूल सिंपल है. स्टेट मॉडल जब आप बनाते हो किसी भी सिस्टम का
The rule is that the output of integrators is to be chosen as the state variable. Yes, sir. This is the integrator block. This is the integrator block. So outputs of the integrators are to be chosen as state variables. Okay. Outputs of integrators. Integrator की वैसे transfer function 1 upon s होती है खाली, है ना? Yes sir. इसमें denominator में एक और term भी है, 1 upon s plus 2 है. जी sir. So this is known as a lag block. क्या कहते हैं इसको? Lag block. इसको lag block क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसका frequency response हम देखें तो वो लैगिंग होता है, ओके? इसमें आउटपुट जो होता है इनपुट के साथ उसका जो फेज है फेज लैग होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लैग ब्लॉक. सो आउटपुट्स ऑफ इंटीग्रेटर्स दैट मींस टर्म्स लाइक दिस आर टू बी चोजन एज स्टेट वेरिएबल्स, आर टू बी चोजन एज स्टेट वेरिएबल्स. गॉट इट? यस सर. तो ये एक लैग ब्लॉक है या एक इंटीग्रेटर ब्लॉक है, इसका आउटपुट ये है ना? Yes, sir. इसको हम मानेंगे एक स्टेट वेरिएबल x1. ये दूसरा इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग ब्लॉक है या लैग ब्लॉक है ना? Yes, sir. इसका आउटपुट ये है, इसको हम मानेंगे x1. सो दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स. यस सर. x1 इज वन स्टेट वेरिएबल एंड x2 इज अनदर स्टेट वेरिएबल. आर यू गेटिंग मी? यस सर. सो नाउ वी राइट डाउन द इक्वेशंस. What's x2 equal to? x1 dot. x, no, no, where is x1 dot? x2 is equal to, इसमें input x1 जा रहा है. जी सर. x1 into this. x1 into 1 by x plus 2, yes. x2 is equal to 1 upon s plus 2 into x1. Yes, सही है ना? So x2 is equal to 1 upon s plus 2 into x1. सही है? जी सर. और अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें वी गेट एस एक्स टू प्लस टू एक्स टू इक्वल टू एक्स वन. व्हाट इज एस एक्स टू? दैट इज एक्स टू डॉट प्लस टू एक्स टू इक्वल टू एक्स वन. सही है? और एक्स टू डॉट इज इक्वल टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू. सही है? यस सर. इसको थोड़ी देर स्टॉप करो. स्टॉप ही नहीं किया? जी सर, मैंने पॉज किया था. ओके, कोई बात. सो यू हैव गॉट दिस सिग्नल इज एक्चुअली u माइनस x2. एक इक्वेशन तो मैंने ऑप्टेन की x2 डॉट की, मुझे x1 डॉट की भी इक्वेशन चाहिए ना? यस सर. तो अगर आप देखो ये वाला सिग्नल यहां पे, दिस इज u माइनस x2. यस सर. एंड x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s plus 1 into u माइनस x2. जी सर. सही है ना? यस सर. आल्सो सो x1 इज इक्वल टू 1 upon s plus 1 into u minus x. सही है? जी सर. और I can write down s x1 plus x1 is equal to u minus x. ठीक है? You are following me? Yes sir. Which is actually, what is s x1? x1 dot is equal to x1 यहां से ले जाएंगे minus x1 minus x2 plus u. Following me? Yes sir. This becomes equation 1 and this becomes equation 2. These two equations can be written in matrix form. Yes sir. उसी से मुझे state model मिलेगा ना? जी सर. और लाइक इट x1 dot x2 dot is equal to, what is x1 dot equal to? Minus x1 minus x2. Minus 1 minus 1. Hai na? And what is x2 dot equal to? x1 minus 2 x2. So that's 1 and minus 2. 1 and minus 2, yes sir. x1 or x2. Sahi hai? Yes sir. Plus? Plus? 1 0. Plus 1 0 u. 1 0, yes sir. x1 dot mein u hai na? Yes sir. X1, 1 0, 1, 0 u. Ye ban gaya aapka state equation. अब आउटपुट इक्वेशन y किसके बराबर है सर? वो बराबर है x1 x1 माइनस, नहीं ये है ना, एक तो x1
एक्स वन और ये वाली सिग्नल यू माइनस एक्स टू प्लस यू माइनस एक्स टू है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस यू। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यू माइनस एक्स टू वहाँ से डायरेक्ट जा रहा है तो इस पे पहले वन वन बाई एस प्लस टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्या फर्क पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं, ये वाले सिग्नल को कहते हैं टेक ऑफ सिग्नल। जी सर, किसी भी कोई भी सिग्नल का वैल्यू उससे जो सिग्नल लेते हैं उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता उसका। जी सर, ये चीजें आपको ब्लॉक डायग्राम डायरेक्शन में क्लियर हो गई होनी चाहिए। जी सर, ये उसी में आती है। तो y is equal to x1 minus x2 plus u. So इसका जो आउटपुट इक्वेशन है वो क्या बनेगा फिर, y is equal to 1 minus 1 x1 x2 है ना? Yes sir. ठीक है, प्लस ऐसे 1 u. Yes, one minus one plus. सही है? Yes, sir. तो ये बना इसका स्ट्रीट मॉडल है ना, सिंपल। Yes, sir. मीन्स अगर आपको ब्लॉक डायग्राम किसी सिस्टम की दी गई है और आपको कहा जा रहा है कि उसका स्टेट मॉडल बनाओ, yes, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है कि आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर्स आर टू बी चोजन स्टेट वेरिएबल्स, एज सिंपल एज दैट। आउटपुट्स ऑफ द इंटीग्रेटर्स, यस सर, इंटीग्रेटर्स आर लैग ब्लॉक्स, लैग ब्लॉक इज वेयर यू हैव एस इन द डिनोमिनेटर। यस सर, आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो ऐसे ब्लॉक्स का आपको आउटपुट एज एन एज अ स्टेट वेरिएबल लेना है और फिर स्टेट इक्वेशन लिखनी है। जी सर, वंस यू राइट डाउन द स्टेट इक्वेशन यू विल हैव द फाइनल मॉडल विद इट। जी सर, are you getting me? Yes sir. So that's it.